हेलो दोस्तों, आज के नए वीडियो में हम देखेंगे सीरीज यानी श्रृंखला के कुछ प्रश्नों को, जो कि रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। हम इसके कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। हर एक एग्जाम्स में इस चैप्टर से 2 या 3 प्रश्न होते ही होते हैं। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत में हम आपके लिए एक क्वेश्चन देंगे, जिसके आंसर आपको हमें बताना है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो को। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखकर थोड़ा भी कुछ सीखते हैं, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है 23, 28, 34, 41 और 49, इसके अगला पद बताना है। तो यहाँ हम देखेंगे, इसको हल करने की एक विधि है, यहाँ पर इन सभी के बीच में हमको अंतर देखना है कि अंतर कितने कितने का है। जैसे यहाँ पे 23 और 28 के बीच में हम अगर अंतर देखें तो यहाँ पे 5 का अंतर आता है। फिर 28 और 34 के बीच में देखें तो 6 का आता है। फिर 34 41 के बीच में देखें तो 7 का है। फिर 41 और 49 के बीच में देखें तो 8 का अंतर है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ देख रहे हैं कि 5, 6, 7 और 8 यानी कि बढ़ते क्रम में जा रहा है। तो हम आगे भी क्या करेंगे, उसमें उसी क्रम में आगे बढ़ा के लिखेंगे। जैसे यहाँ 5 बढ़ा, फिर 1 बढ़ के 6 हो गया, फिर 1 बढ़ के 7 हो गया, फिर 1 बढ़ के 8 हो गया। अब यहाँ 8 के बाद कितना आएगा, 8 के बाद आएगा 9, यानी कि हम 49 में जोड़ेंगे 9 को। तो 49 में अगर हम 9 को जोड़ते हैं तो मेरा आंसर आएगा 58, यानी कि 23, 28, 34, 41 और 49 के बाद हमारा जो अगला अंक वहाँ आना चाहिए वह क्या आएगा, 58 आएगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन डी, जो कि 58 हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। फिर हम यहाँ पे उसी प्रकार से देखेंगे कि जो भी हमारा अंक दिया गया है उसके बीच का अंतर कितना है, यानी डिफरेंस कितने का है। तो यहाँ देखेंगे 11 और 13, इसके बीच में 2 का डिफरेंस है। फिर यहाँ 13 और 16, इसके बीच में 3 का डिफरेंस है। फिर 16 18, फिर यहाँ 2, फिर 18 21, यहाँ 3 का डिफरेंस है। तो हम देख रहे हैं कि एक सीक्वेंस में बढ़ते जा रहा है, पहले 2 बढ़ा, फिर 3, फिर 2, फिर 3। तो यहाँ 2 के बाद 3 आ रहा है और 3 के बाद 2 आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा लास्ट जो बढ़ा है वह कितना बढ़ा है, 3 बढ़ा है। तो यहाँ पे 3 के बाद हमें कितना बढ़ाना है, 2 बढ़ाना है। तो यहाँ हमारा लास्ट दिया हुआ है 21। अब 21 में हम कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे। तो 21 में अगर हम 2 को ऐड करें तो हमारा आ जाएगा 23। तो हमारा 21 के बाद जो अगला अंक वहाँ पे आएगा वह मेरा हो जाएगा ऑप्शन डी, 23 23। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। हमें जहाँ भी लुप्त अंक ज्ञात करने के लिए बोलेगा वहाँ हम उसी तरह से 2 अंकों के बीच का
अंतर निकाल करके, और उसको देखेंगे कि वो उसमें क्या परिवर्तन हो रहे हैं। तो यहाँ पे 11 है, 22 है, 44 है, 88 है और 176 है। तो यहाँ 11 और 22, इसका डिफरेंस अगर हम देखें तो 11 आएगा, फिर 22 और 44 का डिफरेंस अगर हम देखें तो 22 आएगा, फिर 44 और 88 का डिफरेंस देखें तो 44 आएगा, और 88 और 176 का डिफरेंस देखें तो 88 आएगा। यानी कि एक सीक्वेंस में जैसे कि 11 22 पिछले वाले अक्षर को अगले अंक में जोड़ करके हमारा अगला अंक आ रहा है। जैसे 11 में हम उसी 11 को जोड़े तो 22 आया, फिर 22 में हम उसी 22 को जोड़े तो 22 आया। यानी कि यहाँ पे सिंपल है कि हम उसको दोगुना करते जा रहे हैं तो हमारा अगला अंक आता जा रहा है। तो इसी जैसे 11 का दोगुना किए तो 22, फिर 22 का दोगुना किए तो 44, 44 का दोगुना किए तो 88, 88 का दोगुना किए तो 176। तो हम यहाँ भी वही करेंगे, 176 का दोगुना कर देंगे। तो 176 का अगर हम दोगुना करेंगे तो आएगा 352, यानी 352। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 352। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे फिर हम उसी प्रकार से अपने दिए गए अंकों को देखेंगे और उसके अंतर को पता करने का प्रयास करते हैं। तो 91 और 100 के बीच का डिफरेंस 9, फिर 100 और 118 का डिफरेंस 18, 118 और 145 का डिफरेंट 27, और फिर एक अंक अंत में हमको दे दिया है अंक 226। तो हम इसी तीनों के आधार पर हल करने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पहले बढ़ा 9, फिर 18 और फिर 27। हम देख रहे हैं कि 9 का गुणज के रूप में वह आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे 9, 9 दुना 18, 9 तिया 27। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं आगे बढ़ा करके कि वो जो हमको आता है वो आंसर हमारे ऑप्शन में है कि नहीं है। जैसे 9 बढ़ा, फिर 18 बढ़ा, उसके बाद 27 बढ़ा, यानी कि 1, 2, 3 तक बढ़ गया हुआ है। हम 4 का गुणज बढ़ाते हैं तो 9 चौके 36, यानी कि 145 में हम 36 जोड़ते हैं। तो 145 में अगर हम 36 को जोड़ेंगे तो 6, 5, 11, 1, 4, 3, 7, 1, 8, 1, 181 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ 9 का गुणज बढ़ रहा है तो हम उसको आगे जोड़ दिए तो 181 आया, जो कि ऑप्शन हमारा दिया हुआ है ऑप्शन सी। तो इसका आंसर हो जाएगा 181। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। फिर यहाँ पर उसी प्रकार का क्वेश्चन है, 9, 13, 22, 38 और 63। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि दोनों अंकों के बीच का अंतर निकाल करके 9 और 13 का अंतर दिया हुआ है यहाँ 4, 13 और 22 का अगर अंतर निकालेंगे तो 9 हो जाएगा, 22 और 38, तो यहाँ 16, फिर 38 और 63 यहाँ आ जाएगा 25। अब यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा हार्ड होता है बनाने में, लेकिन अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप जल्दी बना सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए कि यह किस सीक्वेंस में आगे बढ़ रहा है, जल्दी से सोचिए। ठीक है, यहाँ 4, 9, 16 और 25 ये सभी वर्ग संख्या है। जैसे 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। हम यहाँ देख रहे हैं कि 2, 3, 4, 5 के वर्ग संख्या को उस संख्या में जोड़ने पर हमारा अगला संख्या आते जा रहा है। तो यहाँ पर भी हमें वही करना है, उसी सीक्वेंस से हमको आगे बढ़ा कर ले जाना है। तो 2, 3, 4, 5 तक का वर्ग जोड़ चुका है, अब अगला हमारा संख्या आता है 6। इस 6 का वर्ग हम जोड़ेंगे तो 6 का वर्ग
36, यानी कि हम 63 में 36 को जोड़ देंगे, तो 63 में प्लस करेंगे 36 को, तो 99 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 99। अब हम एक क्वेश्चन आपके लिए लाते हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है और अगर आपको क्वेश्चन बनाने का नॉलेज हो गया हुआ है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और इस क्वेश्चन का आंसर हमें ज़रूर बताइए। उम्मीद है कि आपसे ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेगा। ये था हमारा लुप्त अंक ज्ञात करने वाला का पार्ट वन वीडियो। इसका पार्ट टू वीडियो भी हम जल्द लाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में इसे लाइक करना ना भूले और इसे शेयर ज़रूर करें, ताकि दूसरे छात्र भी इससे कुछ सीख सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।